न्यूज स्टॉक लाइव के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे रोमांचक वीडियोस आप तक निरंतर पहुंचते रहें। पालघर जिले में वसई के पास पुलिस ने शक के आधार पर जिस मुजरिम को पकड़ा, वो निकला बड़ा ही शातिर चोर। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के कांचों को तोड़कर करता था चोरी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बैंक के बाहर लोगों को मिसगाइड करके या बैंक से कोई पैसे निकाल के आता है तो उसको फॉलो करके उसकी गाड़ी की कांच तोड़ के या फिर गाड़ी पर कुछ ऑयल वगैरह ऐसा डाल के लोगों को मिसगाइड करके गाड़ी से बैग छीनना, ये मोडस ऑपरेटिव आरोपी लोगों की थी। हमारे स्टाफ ने काफ़ी सारा सीसीटीवी फुटेज का स्टडी करके ट्रैप लगा के इन लोगों को, तीन लोगों को अरेस्ट किया है। सर, ये आरोपी बेसिकली साउथ के हैं। इन लोगों के ऊपर महाराष्ट्र में काफ़ी सारी जगह पे केसेस रजिस्टर्ड है, पहले की केसेस है, बहुत हार्डन क्रिमिनल्स है ये। ठाणा सिटी, न्यू बॉम्बे, मुंबई, पालघर या गुजरात, यहाँ इनके ऊपर केसेस रजिस्टर्ड है। सर, इनमें कितने जन अरेस्ट? इसमें तीन जन अरेस्ट है और एक हमें इस केस में वांटेड है, बाकी इनके और सारी टोलियाँ महाराष्ट्र में सक्रिय है। सर, वाई पैसे के लिए करते थे या फिर ग्रुप बनाने के लिए, क्या है ये? वैसे पैसे के लिए करते, ग्रुप नहीं, पैसे के लिए करते, लेकिन इनका इतने हार्ड नहीं कि ये रिकवरी देने में बहुत डिफिकल्ट होता है इनसे रिकवरी करना। सर, कितनी की रिकवरी है और क्या क्या बरामद? इनके पास ये लगभग 4.5 लाख की कैश रिकवरी और ज्वेलरी रिकवर किया गया। सर, इनमें से मेन किंग पिन कौन है इसमें? जो हर एक आदमी है, जो अपना सेफ्टी अपन खुद करना चाहिए, बाकी लोगों की तरफ अपन जो भी चीज़ है, अपना चीज़ अपन खुद अच्छे से उसको संभालना चाहिए। क्या क्या हुआ था? चोरी हुई थी 17/4/2019 को हुई। क्या किस तरह से चोरी ऐसी हुई? हम लोग गए थे वामन हरिपेटे में गोल्ड खरीद करने के लिए, मेरे मिसेज का जन्मदिन था और वो गोल्ड खरीद करने के बाद हम लोग आए तो 12:30 के बजे थे सर। उससे हम लोगों ने सोचा चलो खाना खाते, तो खाना खाने के लिए हम लोग गए गोल्ड पॉइंट में और खाना खा के हम लोग जैसे निकले बाहर, गाड़ी पार्किंग में लगे तो आके देखा तो गाड़ी की कांच सब छोड़ दिया था और इसके अंदर गोल्ड रखा था, तो गोल्ड हमारा उधर से गायब था। उसके बाद में हम लोगों ने पार्किंग वाले को जाके पूछा कि हमारा गोल्ड नहीं है गाड़ी में, हमारा जो चीज़ है हमारे बैग का कुछ नहीं, तो फिर बोले कि उसको मालूम नहीं है। फिर ये सब हम लोगों ने उनके पास सुनने के बाद हम लोग मानिकपुर पुलिस स्टेशन गए और उधर हम लोगों ने तकरार की पुलिस सब। चोरी होने के बाद मेरे दिल में ऐसा है कि हम हमारे ऐसी खुद की गलती है कि हम लोगों ने जो हमारी जिम्मेदारी दी थी कि हम लोगों ने जो हमारे जो बैग थे, हम लोग खाना खाते टाइम लेके जाना मांगता था, मेरी वाइफ ने मेरे को बताया था, लेकिन मैं बोला चलो रहने दो, गाड़ी का अपन पार्किंग में लगाए गाड़ी तो उधर कौन लेके जाएगा, कि वो भरोसे हम लोग ने उधर छोड़ दिया पार्किंग के भरोसे। फिर भी हम लोग सोचा कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम लोग लेके जाना होता है, खुद की जिम्मेदारी वो थी, वो उसको लेके जाना चीज़ बहुत बड़ी थी। आज मिलने के बाद क्या ऐसा लगता है कि गई हुई चीज़ वापस देखने के लिए मिली, तो वो पुलिस लोगों की वजह से मिली। अभी वाले पुलिस ने हमको समझ में आया कि हमारी चीज़ वापस मिली है, तो हम लोग को देखने के लिए सच्ची में तो पुलिस लोगों का धन्यवाद करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो उनकी वजह से मेरी चीज़ मिली थी, तो ऐसे मिलने वाली नहीं थी। अगर पुलिस मिल करती तो छोड़ ही देना पड़ता था, अपने समझ में आ रहा था कि नहीं मिलने वाली।